बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हनुमान चौराहे पर चलाए जा रहे नेकी के दवाखाने के खिलाफ अभिभाषक जनों ने नगर पालिका परिषद एवं गुना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज सेवी निलंबित दल का कहना है कि तथाकथित लोगों के द्वारा नेकी की दीवार की आड़ में अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि जो दवाखाना चौराहे पर खोला गया वह नियमों के विरुद्ध है। साथ ही यहाँ पर दवा लेने से किसी मरीज के साथ कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी प्रश्न खड़ा किया कि एक और शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुहिम चलाई जा रही है और कई लोगों की दुकानें खत्म कर दी गई हैं। वहीं नेकी की दीवार नाम से जो तथाकथित लोगों के द्वारा तैयार किया गया वह क्षेत्र भी अतिक्रमण में आ रहा है, इसकी ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तथाकथित लोग केवल अपनी राजनीति करने के चलते हर बार यहाँ पर कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जिससे लोगों के बीच बने रहे। वहीं उनका यह भी कहना है कि इस नेकी की दीवार को किसी गौशाला या किसी अन्य स्थान पर भी चालू किया जा सकता है। मामला ये है कि गुना में कुछ लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कभी भुजरिया तालाब पहुंच जाते हैं, भुजरिया तालाब का कार्य करने लगते हैं, कभी वो पहुंच जाते हैं सिंहवासा तालाब, कभी गोपालपुरा तालाब पहुंच जाते हैं, कभी गुनिया नदी में चले जाते हैं, फिर कभी वो नेकी की दीवार पर आ जाते हैं। कुल मिला के कुछ ऐसे लोग हैं गुना के जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए लोगों का मिसयूज करते हैं। और अभी हाल ही में हमारे अंदर जो रोष है वो रोष इस बात का है कि आप नेकी की दीवार का कार्य करते हैं और आप हमारे भारत के सैनिकों के बारे में, हमारे मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक आप पोस्ट कर रहे हैं। आप हमारे देश हितैषी भारतवासी जो नागरिक है उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, इस प्रकार की पोस्ट डाल रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, जिससे भारत के हमारे सैनिकों के लिए ये ताकत है और उस ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देशद्रोही का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत दंडमत कार्रवाई हमारे जिला प्रशासन को करना चाहिए और नेकी की दीवार हटाना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर अतिक्रमण है। हमारे जो गरीब भाई आते हैं न्यायालय के बाहर गाड़ी लगाते हैं, जो 5 रुपये स्टैंड का नहीं दे पाते हैं, वो भी अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो नेकी की दीवार लगाई है उस नेकी की दीवार को किसी अलग स्थान पर जहाँ कोई गौशाला आदि हो वहाँ भी तो शिफ्ट हो सकती है ना। मेन चौराहे पर ये कौन नगर पालिका अतिक्रमण हटा रही है और ये को कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो दवाइयाँ देते हैं गरीब लोगों के लिए, क्या ये गारंटी है कि अगर हमारे किसी गरीब भाई के लिए कोई बात हो जाएगी तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन ले रहा है? कि नेकी की दीवार के जो है ना एक कार्यकर्ता जो अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता समझते हैं, वो ले रहा है इसकी जवाबदारी? क्या उनके पास में रजिस्ट्रेशन है?